दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज हम उस वीडियो की चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो पीजीटी और टीजीटी में एक न एक क्वेश्चन इस पार्ट से रखा हुआ मिलता है। चूंकि आपके सिलेबस में इवोल्यूशन है, जैव विकास है, तो जैव विकास की वजह से इवोल्यूशन में ह्यूमन इवोल्यूशन का एक चैप्टर जरूर है और उससे एक न एक कॉमन क्वेश्चन आता है और थोड़ा टफ भी माना जाता है। ये थोड़ा पकाऊ भी चैप्टर है, तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे और हम वादा करते हैं कि अगर ये आप पूरा वीडियो देखेंगे या इसके एक या दो पार्ट आएंगे, शायद कोई एक में ही हो जाए, अगर एक में नहीं कम्प्लीट होता है तो दो पार्ट आएंगे, अगर ये दोनों पार्ट आप देख लेंगे या ये एक पार्ट देख लेंगे तो मैं वादा करता हूँ इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे ज़्यादा तो वादा नहीं किया जा सकता कि या इससे बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना नथिंग है। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दूसरा दोस्तों, एक जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरे बायोलॉजी की, आप देखेंगे कि हर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर पड़े हुए, हर चैप्टर से जो क्वेश्चन अभी तक टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस डीएसएसबी यूपी पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हमने चैप्टर वाइज बना दिया। जैसे प्रोटोजोवा से अभी तक जितने क्वेश्चन बने हमने प्रोटोजोवा की प्लेलिस्ट अलग बना दी है, पोरीफेरा से जो बने उनके अलग बना दिए, फोटोसिंथेसिस से बने हुए उनके अलग बना दिए, ब्रायोफाइट के अलग हैं, टेरिडोफाइट के अलग हैं, एनिलिडा के अलग हैं, आर्थ्रोपोडा के अलग हैं। वो वहाँ सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो उस चैप्टर से अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे डबल फायदा होगा, एक आपको आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर से कौन से प्रश्न पूछे गए, तो जब आप पढ़ने बैठेंगे उस चैप्टर को तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं, एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं या एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो एक ये क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकता है एंथ्रोपोलॉजी क्या है, किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मनुष्य के जो विकास हुआ है उसका अध्ययन करते हैं, कल्चर का अध्ययन करते हैं कि वो उस समय कौन कौन सा कल्चर उसमें डेवलप हुआ था, इट डील्स विथ फॉसिल प्री हिस्टोरिक एंड लिविंग मैन, इसमें हम उसके फॉसिल रिकॉर्ड्स देखते हैं, उसके हिस्ट्री देखते हैं कि किससे किसका विकास हुआ और जो लिविंग मैन है उससे रिलेट करके, तो इस विज्ञान की इस शाखा को हम एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है एंथ्रोपोलॉजी कन्फर्म हो गया होगा कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनियोलॉजी क्या होता है और जीनियोलॉजी होता क्या है? तो इज द सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ स्टेज इन इवोल्यूशन, इसमें क्या करता है, हम सिक्वेंशियल अरेंजमेंट करते हैं। जैसे ही आपने घोड़े को देखा होगा किस घोड़े के बाद कौन सा विकास हुआ, तो उसकी पूरी पेडिग्री है, तो पेडिग्री घोड़े की है मगर मनुष्य की उतनी अच्छी पेडिग्री नहीं है, या बिल्कुल एक से एक कनेक्ट पेडिग्री उतनी अच्छी नहीं है जैसे कि घोड़े की। ये पूछता है पेडिग्री किसकी सबसे अच्छी मानी जाती, तो घोड़े की है। द पेडिग्री ऑफ द मैन नॉट कम्प्लीट, अभी तक जो मनुष्य की पेडिग्री है वो अभी तक कम्प्लीट नहीं है, लाइक दैट हॉर्स की तरह, घोड़ी की तरह कम्प्लीट नहीं है। टैक्सोनॉमी स्टेज देख लेते हैं, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ देता है कि जो मनुष्य है उसका ऑर्डर क्या है, तो प्राइमेट्स है, क्लास मैमेलिया है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, फाइलम कॉर्डेट है, सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया है। क्या है? एंथ्रोपोइडिया। अभी ये एंथ्रोपोइडिया से आगे आपको बताएंगे ये कहाँ से हमें एंथ्रोपोइडिया मिला, और सुपर फैमिली होमिनोइडी है, और फैमिली जो है वो होमिनिडी है, और जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, होमो सेपियंस। चलिए यहाँ से तो ये क्वेश्चन बने थे, अब यहाँ से ये भी देख लेते हैं थोड़ा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ना पढ़ने के अलावा एक कुछ पॉइंट्स फटाफट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है मनुष्य के। तो एक तो लार्ज ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, मनुष्य इंटेलिजेंस होता है, इरेक्ट पास्चर, खड़े होकर चलना, और हाथ दोनों फ्री होते हैं जो काम करने के लिए फ्री होते हैं, बाइपेडल लोकोमोशन, दो पैरों के द्वारा चलता है, और फोर लिम्स फ्री होती हैं अदर काम के लिए, जो हमारे हाथ फ्री हैं वो दूसरे कामों के लिए बिल्कुल हम प्रयोग कर सकते हैं, बाइनोकुलर स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है। तो आपसे पूछ सकता है कैसा विजन है, तो स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, बाइनोकुलर होता है, ध्यान रखिएगा, और आर्टिकुलर स्पीच है, मतलब वेल सिस्टमेटिक स्पीसीज है। अब यहाँ प्राइमेट से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं, प्राइमेट से जो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम सीधे चर्चा करेंगे उन क्वेश्चन के बारे में। तो एक्सपेंडेड फॉर ब्रेन,
ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडेड फॉर ब्रेन और लाइटली गेस्टेशन वन बर्थ एट ए टाइम, ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ आएगा लेंथी गेस्टेशन है, कैसा है, लेंथी गेस्टेशन है वन बर्थ एट ए टाइम, ये ध्यान रखिएगा, कैसा है लेंथी गेस्टेशन किसका है, प्राइमेट्स का है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने पहला अक्षर देख के लाइटली शायद मैं बोल गया था। तो एक और चीज़ बता दें कि ये एक जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक लेख छपा था कि 99% लोग ऐसे होते हैं कि शुरुआत और लास्ट के अक्षर से आप अगर गलत भी लिखते हैं तो शुरुआत और लास्ट के अक्षर से वो अपने आप ही स्पीच को डेवलप कर लेते हैं। तो वो ऐसा होता है, यल को देखा और तुरंत लाइटली बोल दिया, लेंथी है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। द प्राइमेट्स ऑर्डर कंटेन्स टू सब ऑर्डर, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दो इसके ऑर्डर बनाए गए, प्रोसीमियंस, ध्यान रखिएगा, प्रोसीमियंस और एंथ्रोपॉइड्स। अभी हमने आपको बताया था एंथ्रोपॉइड्स में मनुष्य को रखा गया है, तो प्रोसोमियंस और एंथ्रोपॉइड्स। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं क्वेश्चन। कोई एमंग लिविंग प्राइमेट्स द प्रोसोमियंस सब ऑर्डर प्रोसमी, और प्रो मीन्स होता बिफोर और सीमोज मीन्स होता मंकी, इंक्लूड। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं और बनते भी हैं। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर चलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये यहाँ से आपसे पूछ सकता है प्रोसोमियंस में कौन कौन रखे गए हैं, ये पूछता है प्रोसोमियंस में कौन कौन से रखे गए हैं। तो प्रोसोमियंस में ट्रेसियर्स रखे गए हैं, लीमर्स रखे गए हैं और लोरिसेस रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रेसियर्स रखे गए हैं, लीमर्स रखे गए हैं और लोरिसेस रखे गए। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेसियस, लीमर्स और लोरिसेस, टीएल स्क्वायर याद रखिएगा, शायद याद हो जाए टीएल स्क्वायर। और ट्रेसियर्स की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है ट्रेसियर्स, ये क्वेश्चन शायद आया था पीजीटी में, ट्रेसियर्स या लीमर या लोरिसेस में एक पूछा गया था कि कहाँ पाए जाते थे। तो ट्रेसियर्स जो है आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ फिलीपींस, ये कहाँ देखने को मिलते हैं, फिलीपींस के फॉरेस्ट में, ईस्ट इंडिया में, फिलीपींस के फॉरेस्ट और ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। दे आर इंसेक्टिवोरस, ये भी पूछा था कि एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे थे, हार्बीवोरस थे या इंसेक्टिवोरस थे या अदर थे, तो इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो ट्रेसियर्स थे वो इंसेक्टिवोरस थे, आप ओल्ड पेपर देखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, इंसेक्टिवोरस थे यानी कीटों खाते थे, माउस साइज जैसे कि चूहा होता है इस तरह के एनिमल्स थे, विथ इनॉर्मस आई सुटेबल फॉर नॉक्टर्नल, यानी ये ऐसे थे कि रात्रि में ये देख सकते हैं। लीमर्स की बात करते हैं, लीमर्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्वायरर लाइक एनिमल्स हैं जैसे गिलहरी होती वैसे हैं, आर कन्फाइंड लार्जली टू द आइलैंड इन मेडागास्कर, तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं, मेडागास्कर द्वीप में। दे फीड द प्लांट मटेरियल इंक्लूडिंग फूड, ये कम्प्लीटली हार्बीवोरस थे और ये क्या खाते थे, फ्रूट यानी फलों का भक्षण करते थे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन मिले, एक ट्रेसियर्स से जो पूछेंगे पाए कहाँ जाते हैं, फिलीपींस ईस्ट इंडिया, और खाते क्या से, इंसेक्टिवोरस थे, लीमर्स कैसे हैं, हार्बीवोरस हैं, क्या खाते हैं, तो लीमर्स क्या खाते हैं, फलों का भक्षण करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो मेडागास्कर प्रायद्वीप में या महाद्वीप में पाए जाते हैं, देख लीजिएगा आइलैंड है, तो ये मेडागास्कर द्वीप में पाए जाते थे और प्लांट मटेरियल खा रहे थे। फिर आता है लोरिसस, लोरिसस क्या थे, आकर इन अफ्रीका एशिया एंड साउथ इंडिया, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लोरिसस कहाँ पाए जा रहे थे, तो अफ्रीका में, एशिया में, साउथ इंडिया में, भाई अफ्रीका एशिया और इंक्लूडिंग साउथ इंडिया में, अगर वो भारत की बात करें तो साउथ इंडिया में। अब आता है, तो ये हमने जो बात की थी ये वाला, तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे प्रोसोमियंस की, किसकी, प्रोसोमियंस की बात कर रहे थे कि प्रोसोमियंस में तीन को रखा गया है और ये प्रोसो, हम आपको फिर बता दें, हम बात कर रहे थे प्राइमेट्स, प्राइमेट्स को दो भागों में बांटा गया, एक तो प्रोसोमियंस को बांटा गया ऑर्डर में और एक जो भी हम बताने जा रहे हैं वो कौन सा है, एंथ्रोपॉइड्स, एंथ्रोपॉइड्स में मनुष्य आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम कलर पेन का चेंज कर लेते हैं, चूंकि एंथ्रोपॉइड्स की बात करने जा रहे हैं तो हम ले लेते हैं ब्लू कलर यहाँ से,
ये एंथ्रोपॉइड, सब आर्डर एंथ्रोपोइडिया। एंथ्रोप मीन्स क्या होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है एंथ्रोप, तो एंथ्रोप मीन्स होता है मैंड, एंड ऑइड मीन्स होता है लाइक, मनुष्य की तरह। क्लासिफाइड इंटू थ्री सब फैमिलीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और होमिनोइड्स। ध्यान रखिएगा, न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और होमोनोइड्स। तो हम लोग चूंकि होमोनोइड्स में आते हैं, अब न्यू वर्ल्ड मंकी में बात कर रहा है। पजेस ए फ्लैट नोज विथ वाइडली सेपरेटेड नोस्टिल, प्रीहेंसिल टेल, नॉन ओपोजेबल थंब एंड क्लॉ डिजिट्स। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी इज फाउंड इन साउथ अमेरिका। तो ये आप जरूर पॉइंट रखिएगा कि न्यू वर्ल्ड मंकी कहाँ पाए जा रहे थे, तो साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलोटा हॉलर मंकी बोलते हैं, एटेलिस स्पाइडर मंकी बोलते हैं। तो ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन है, कठिन है, तो ये जल्दी आपको याद तो नहीं होंगे, मगर एक बार देख लेंगे, ऑप्शन आएगा तो आप उसको देख के हल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि न्यू वर्ल्ड मंकीज में साउथ अमेरिका में पाए जाते थे, और ये समझ लो जो न्यू वर्ल्ड ऐसे याद रखेंगे कि जो अमेरिका वगैरह वो ज़्यादा डेवलप है, तो यहाँ साउथ अमेरिका आ गया। और अलाउटा जो है हॉलर मंकी बोलते हैं, एटेलेस को स्पाइडर मंकी बोलते हैं। ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात करते हैं, तो पजेस ए नैरो नोज, इनकी जो नाक थी वो सकरी थी, शॉर्ट एंड नॉन प्रीहेंसिल टेल, ओपोजेबल थंब एंड नेल्ड डिजिट्स। ओल्ड वर्ल्ड मंकी फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। देखिए अफ्रीका के लोग ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए, एशिया में भी उतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो पाए, अपने इंडिया से लेके चलेंगे तो यहाँ से लगा लेंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकी। इसमें आता है पैपियो, बैबून बोलते हैं, इसके अंतर्गत पैपियो, मैका सॉरी मकाका मुलाटा, मकाका मुलाटा रईसस मंकी बोलते हैं। एक ये क्वेश्चन आ चुका है, रईसस मंकी का जो जूलॉजिकल नेम क्या था, मकाका मुलाटा, ये भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो रईसस मंकी, मकाका मुलाटा, और प्री जो प्री स्पाइडिस है, लैंगर बोलते हैं इसको, ये आते हैं। अब आते हैं होमिनोइड्स के अंतर्गत, तो होमिनोइड्स की बात करते हैं। देखिए तीन भागों में बांटा था हमने, किसको तीन भागों में बांटा था, तो हमने तीन भागों में ओल्ड वर्ल्ड मंकी सॉरी न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और होमिनोइड्स में। तो ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकी कहाँ था, साउथ अमेरिका। ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहाँ था, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो था वो एशिया और अफ्रीका, जिसमें बाबून और मकाका मुलाटा आ रहा था। और होमिनोइड्स में आते हैं, तो होमिनोइड्स में होम माने होता है मैक, और ऑइड मीन्स होता है लाइक, मैन की तरह, इंक्लूड द आल एपीज एंड ह्यूमन। अब यहाँ और थोड़ा सा रोचक हुआ, रोचक ये हुआ कि फोर टाइप एप सर्वाइवल अंटिल टुडे, चार तरह के ऐप इस समय सरवाइव कर रहे हैं, उसमें गिब्बन आते हैं, लिख लीजिएगा गिब्बन, ओंगेटन आता है, क्या आता है, ओंगेटन आता है, और आर फाउंड इन एशिया। तो ये आपसे, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, फिर कलर चेंज कर लेते हैं। ये ओरेंगटन फाउंड इन एशिया, आपसे पूछ सकता है जो ओरंगटन है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एशिया में। गोरिल्ला, गोरिल्ला एंड द चिंपैंजीज इनहेबिट अफ्रीका। गोरिल्ला और चिंपैंजीज कहाँ देखने को मिले, अफ्रीका में। द गिवेन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द एपीज, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा जो एपीज है वो कौन सा है, तो गिबन जो है सबसे छोटा है, 5.5 से 11 किलो तक का होता है। और आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ा जो होमोनोइड्स है वो कौन सा है, या जो एपीज है वो सबसे बड़ा कौन सा है, तो एपीज सबसे बड़ा है गोरिल्ला, द लार्जेस्ट ऑफ एपीज 180 किलो का है। द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मैन कंसीडर टू बी द चिंपैंजीज, सबसे जो मनुष्य का नज़दीकी माना जाता है वो चिंपैंजी माना जाता है। ये AFMC का क्वेश्चन पूछा गया, ये TGT PGT भी आया हुआ है। कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन
एंड चिंपैंजीज इज द बेस्ट शोन बाय द क्रोमोसोम नंबर एंड बाइंडिंग पैटर्न। ये क्वेश्चन पूछा गया, हमने हल कराया है, आप हमारे ओल्ड पेपर देखेंगे, ये पीजीटी में और पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस बेस पर इनका सबसे नजदीक माना गया, वो क्रोमोसोम नंबर और बाइंडिंग पैटर्न पर। ये आज आज ऑप्शन दिया था ये वाला, ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, चिंपैंजीज आर द मोस्ट ह्यूमन लाइक द एपीज एंड फ्रिक्वेंटली यूज द साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखिएगा, सुल्तान अगर आपने बीएड किया होगा तो वहाँ पढ़ा होगा, कोहलर वगैरह ने किया था, ध्यान रखिएगा। प्रीकोंसल ड्रायोपिथेकस वाज ए फॉसिल एपी फ्रॉम द मियोसिन एशिया एंड अफ्रीका। प्रीकोंसल इज बिलीव टू बी एंसेस्टर ऑफ टूडेज होमिनोइड्स एपीज एंड ह्यूमंस। इट मोर नियर द सॉरी नियर टू एपी देन टू मैन। अब यहाँ जो मेन क्वेश्चन ये बनता है, अबाउट 25 मिलियन ये पूछता है ईयर एगो ड्रायोपिथेकस बिकम एबाउंडेंट, पूछता है कि कब ड्रायोपिथेकस सबसे ज़्यादा मतलब प्रचुर मात्रा में उपस्थित थे या सबसे ज़्यादा थे। तो 25 मिलियन ईयर एगो या 25 × 10⁶ ईयर एगो, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सिवापिथेकस की बात करता है, एनोदर फॉसिल एप हैज बीन एक्सक्यूटेड फ्रॉम द मिडिल एंड लेट प्लियोसिन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आप इसको नोट करके रखेंगे, थोड़ा सा अलग कलर ले लें। ये सिवापिथेकस एनोदर फॉसिल एप हैज बीन एक्सक्यूटेड फ्रॉम द मिडिल, ये यहाँ से मिडिल एंड लेट प्लियोसिन। आपसे पूछ सकता है ये किन पहाड़ियों से, किस एज की पहाड़ियों मिला, तो कहाँ मिला, मिडिल और लेट प्लियोसिन रॉक से मिला। और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ से प्राप्त किया था, तो इंडिया में शिवालिक हिल से प्राप्त किया था। हम तो इसको ऐसे याद रखें, सिवापिथेकस यानी शिव जी का नाम है, तो इसीलिए शिव का मतलब शिवालिक हिल, तो हमने तो ऐसे ही याद रखा है, सिवापिथेकस शिवालिक हिल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉसिल ऑफ प्रिमेटिव मैन हैव बीन एक्सक्यूटेड फ्रॉम अफ्रीका, ये भी क्वेश्चन पूछा, सबसे ज़्यादा फॉसिल कहाँ से प्राप्त किया गया, तो अफ्रीका से प्राप्त किया गया। इवोल्यूशन ऑफ मैन प्रोबेबली टुक प्लेस इन सेंट्रल अफ्रीका, जो सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ, सबसे ज़्यादा विकास माना जाता है, वो सेंट्रल अफ्रीका से माना जाता है। तो देखिए, हम आपको ये तो उसका हिस्ट्री बताई, यहाँ से हमारे लगभग 10 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद का सेकेंड पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसका सॉलिड होगा, जो सिर्फ आपको इस तरह के चार्ट के द्वारा हम आपको बताएंगे, खोजा किसने, किस युग में हुआ, और इसको कौन कौन से नाम थे, इसमें कैपेसिटी क्या थी, ये क्या कर सकते थे, क्या सकते थे, वो हम आपको पूरा चार्ट देंगे। अगर वो अगला वीडियो आप देख लेंगे तो फिर दो वीडियो के बाद इवोल्यूशन पूरा खत्म, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ह्यूमन इवोल्यूशन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।